हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं नीतू सते और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं बाबी मेकअप लुक। तो मैंने बाबी मेकअप लुक रिक्रिएट करने की कोशिश किया। आई एम नॉट अ बाबी एट ऑल, बट लुक क्रिएट करना मेरा काम है। तो वीडियो को एंजॉय कीजिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फेस को हाइड्रेट करना बिल्कुल ना भूलें, चाहे कोई सा भी लुक आप क्रिएट करते हैं। तो फेस पर मैंने टोनर अप्लाई कर लिया है। सेकेंड स्टेप पे फेस पर आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई करेंगे। मॉइस्चराइज़र के लिए मैंने पॉन्ड्स का जेल मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है और बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड मॉइस्चराइज़र है, ये आप ट्राई कर सकते हैं समर के टाइम पर। लिप्स को हाइड्रेट करना आप बिल्कुल ना भूलें ताकि लिप्स आपके फ्लेकी ना लगे। नेक्स्ट, क्योंकि इस मेकअप लुक के लिए मुझे एकदम क्लियर क्लीन स्किन चाहिए, तो इसलिए जो मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ शुगर का कलर करेक्टिंग प्राइमर है। ये प्राइमर बहुत अच्छी तरीके से मेरे फेस को एक से दो टोन लाइट बनाएगा और काफ़ी ज़्यादा इवन बना देता है। कलर करेक्शन इस वाले मेकअप में मस्ट है। कलर करेक्शन के लिए नायका की पैलेट का मैंने यूज़ किया है और जहाँ जहाँ मुझे ऐसा लगता है मेरा फेस इनपरफेक्ट है, डार्कनेस जहाँ जहाँ है वहाँ पर मैं अपने स्किन से दो शेड डार्क कंसीलर का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे ज़्यादा पिगमेंटेशन नहीं है तो ऑरेंज कलर करेक्टर मैं यूज़ नहीं करूँगी। डार्क शेड का मैंने कंसीलर यूज़ किया है और जहाँ जहाँ मुझे अनइवन स्किन लग रही है वहाँ अप्लाई कर लूँगी। अब देख सकते हैं इसके बाद मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा इवन लग रही है। तो ये स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन एकदम क्लियर लगे। नेक्स्ट, कभी भी डार्क शेड का कंसीलर आप यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर लाइट शेड का कंसीलर ज़रूर लगाएं ताकि आपका फेस जो है ऑरेंज ना लगे, डार्क ना लगे। तो यहाँ पर मैं लॉरेल का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, एकदम मैट फिनिश देता है, मेरे स्किन से थोड़ा लाइट है। देन मैंने एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ किया है। तो पानी में डालने के बाद आपको स्क्वीज़ कर लेना है। इसी तरीके से आपको ब्यूटी ब्लेंडर को हमेशा यूज़ करना चाहिए। तो मैं हल्का हल्का जो है ब्लेंड कर लूँगी। आपको ब्लेंडिंग जो है इस तरीके से टैप टैप करके करनी है, इसे रिमूव नहीं करना है। इससे आपका फेस जो है बिल्कुल भी ब्लैक नहीं लगेगा। जब भी हम फाउंडेशन इसके ऊपर लगाएंगे तो ब्लैक पैचेस नहीं पड़ेंगे, अदरवाइज़ आपका फेस जो है काफ़ी ज़्यादा ऑरेंज हो जाता है। अगर आपका फेस डार्क हो जाता है कंसीलर या करेक्टर करने के बाद तो ये स्टेप करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमें इस लुक के लिए एकदम फेयर स्किन चाहिए, एकदम क्लीन स्किन चाहिए। तो फेयर तो मैं अपनी स्किन नहीं बनाऊंगी, जो स्किन टोन है वही रहेगा, पर हम क्लीन बनाने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में फाउंडेशन लगाएंगे। फाउंडेशन के लिए मैं फॉरएवर 52 का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि फुल कवरेज फाउंडेशन की नीड है हमें इस मेकअप लुक के लिए। ये फाउंडेशन एकदम फुल कवरेज देता है और एकदम मैट फाउंडेशन है। तो मैट फाउंडेशन को हमेशा अपने फिंगर की हेल्प से आप इस तरीके से स्प्रेड कर लीजिए, अदरवाइज़ वो एक जगह पे स्टिक हो जाता है, ब्लेंड करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। देन मैंने ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ किया, ब्रशेस का भी यूज़ कर सकते हैं। ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद मैं इवेनली अपने फेस पर इसे ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंडिंग में आपको बहुत अच्छा खासा ध्यान देना है, क्योंकि ये फाउंडेशन काफ़ी ज़्यादा पैचेस भी छोड़ देता है अगर आप इसे ठीक तरीके से ब्लेंड नहीं करते। क्योंकि मुझे कवरेज थोड़ी और ज़्यादा चाहिए थी तो मैंने एक पंप और इसका यूज़ किया है और अगेन इसके ऊपर लगाकर ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लिया है। तो ये हाई कवरेज फाउंडेशन है, बहुत अच्छी फिनिश देता है और ऑक्सीडाइज बिल्कुल नहीं होता और इस लुक के लिए परफेक्ट है। देन मैंने अगेन लॉरेल का लाइट शेड का कंसीलर यूज़ किया है। ये कंसीलर मैंने दो बार यूज़ किया है, तो ध्यान रखना, एक बार मैंने अपने जो डार्क शेड के कंसीलर थे उसको हाइड करने के लिए यूज़ किया, अब सेकेंड टाइम मैं अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो फर्स्ट टाइम मैंने फाउंडेशन से पहले यूज़ किया था, सेकेंड टाइम मैं फाउंडेशन के बाद यूज़ कर रही हूँ। तो ये स्टेप आप बिल्कुल माइंड में रख के इसी तरीके से फॉलो कीजिए तो मेकअप कभी भी ख़राब नहीं होगा। देन मैं अच्छी तरीके से इसे ब्लेंड कर लूँगी। तो यहाँ मैं हाइलाइटिंग के पर्पज़ से इसे यूज़ कर रही हूँ। इसको यूज़ करने के बाद मेरे फेस के जहाँ जहाँ मैंने इसे यूज़ किया है वो फीचर्स जो है काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट होकर दिखाई देंगे। आप नोटिस करना मेरा फेस जो है किस तरीके से एक स्ट्रक्चर ले लेगा। नेक्स्ट, फेस पर जितने भी क्रीम प्रोडक्ट मैंने लगाए थे उसको सेट करने के लिए मैं यहाँ पर लूज़ पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। मास्क का मैंने लूज़ पाउडर यूज़ किया है और जहाँ जहाँ आप देख सकते हैं मैंने कंसीलर यूज़ किया था पहले मैं वहाँ सेट कर लूँगी, अदरवाइज़ फेस पर क्रीजिंग आ जाती है, लाइन्स पड़ जाती है। उसके बाद मैं एक फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से पूरे अपने बेस को सेट कर लूँगी। नेक्स्ट, आई मेकअप इस लुक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई मेकअप को इनहेंस बनाने के लिए सबसे पहले मैं स्विस ब्यूटी का लाइट शेड का कंसीलर अपनी प्रॉपर आईलेट पर यूज़ कर रही हूँ, फिर उसे मैं अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। तो ब्लेंड करने के लिए एक फ्लैट ब्रश का मैं यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट, मैं लूज़ पाउडर का यूज़ कर रही हूँ और देन इस कंसीलर को मैं इवनली सेट कर लूँगी। ये स्टेप आप ज़रूर फॉलो करें, अदरवाइज़ जो है कंसीलर हमने जो लगाया हुआ है लाइन्स आ जाएगी और आई शेडो आपके अच्छी तरीके से ब्लेंड नहीं होंगे। देन मैं एक पिंक शेड पिक कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन की आई शेडो पैलेट से और अपनी क्रीज एरिया पर इस शेड को मैं प्रॉपरली अप्लाई कर लूँगी। तो ये शेड हमारा ट्रांजिशन शेड होगा, तो इसे हम अपनी क्रीज एरिया पर अप्लाई करेंगे।
नेक्स्ट मैंने मास्क आई शेडो पैलेट से थोड़ा सा डीप पिंक कलर पिक किया है, जो मेरे पहले वाले पिंक कलर से थोड़ा सा डार्क कलर है। अब मैं उसे क्रीज एरिया से लेते हुए प्रॉपर अपनी आईलेट पर अप्लाई कर लूँगी। दोनों आईज पे मैं सेम इसी तरीके से आई शेडो को ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट मैंने कंसीलर यूज़ किया है, यहाँ पर हम कट क्रीज बनाएंगे और एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैंने धीरे धीरे से कट क्रीज बनाना स्टार्ट किया है। तो मैं अपनी इनर हाफ आईलेट पर कुछ इस तरीके से कंसीलर अप्लाई कर लूँगी और हाफ कट क्रीज बना लूँगी। अदन मैंने फ्लैट ब्रश का यूज़ किया है और मैं आई शेडो के साथ कंसीलर को ब्लेंड कर रही हूँ। दोनों आईज पे आपको इस तरीके से कट क्रीज बना लेनी है और नेक्स्ट स्टेप में आपको आई शेडो का शेड लेना है, पिंक कलर का आई शेडो लेना है, देन उसे कंसीलर के साथ इवनली ब्लेंड कर लेना है ताकि किसी भी तरीके की बीच में हार्श लाइन ना दिखाई दे, आपका कंसीलर इवनली आई शेडो के साथ ब्लेंड हो जाए। तो ये स्टेप आप ज़रूर फॉलो कीजिए, अदरवाइज़ आपको ऐसा लगता है कि कंसीलर अलग है और आपने जो आई शेडो लगाया वो अलग है, वो देखने में बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। आप देख सकते हैं इस टाइम जो है आई मेकअप काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लगा है और नेक्स्ट स्टेप आप देखेंगे तो ये आई मेकअप और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। अब मैंने मास्क की सेम जो आई शेडो पैलेट थी उसमें से सिल्वर कलर के प्रेस ग्लिटर पिक किए हैं, तो इन ग्लिटर के लिए आपको ग्लू की कोई नीड नहीं रहती और जहाँ पर कंसीलर मैंने अप्लाई किया था वहाँ पर कुछ इस तरीके से फ्लैट ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर लिए हैं। इस लुक के लिए मैंने व्हाइट कलर का काजल यूज़ किया है, इसके बाद आपकी आईज़ बहुत ज़्यादा ओपन अप लगती है। मेरी आईज़ ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, अगर आपकी छोटी छोटी आईज़ हैं तो आप व्हाइट कलर का काजल यूज़ कर सकते हैं। देन मैंने सिल्वर कलर का लाइनर यूज़ किया है, थोड़ी अपनी कट क्रीज को डिफाइन किया है और ये आई मेकअप ऑलमोस्ट डन हो चुका है। देन मैंने मास्क की लिप पैलेट थी मेरे पास, लिपस्टिक को ही मैंने एज अ लाइनर यूज़ किया है, तो पिंक कलर का शेड मैंने अपनी एज अ लाइनर यूज़ किया। आप देख सकते हैं ये कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और इस वाले आई मेकअप को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट दे रहा था। देन मस्कारा के साथ मैंने इस लुक को कंप्लीट किया और अपनी लोअर लैश लाइन पर भी मैंने सेम पिंक कलर का ही आई शेडो लिया और लोअर लैश लाइन पर एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से उसे ब्लेंड कर लिया। यहाँ आई मेकअप हो चुका है डन। देन आईब्रोज़ को फिल करने के लिए मैंने लॉरेल की ब्रो किट का यूज़ किया और हल्का हल्का सा अपने आईब्रोज़ को डिफाइन कर लिया। बहुत ज़्यादा बोल्ड आईब्रोज़ नहीं रखेंगे इस मेकअप लुक के लिए। देन फेस को स्ट्रक्चर देने के लिए कॉन्टोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो यहाँ पर मैं कॉन्टोर का यूज़ कर रही हूँ, तो पाउडर कॉन्टोरिंग का मैं यूज़ कर रही हूँ, उससे हमारे फेस की काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट कॉन्टोरिंग होगी। देन मुझे अपनी नोज़ को भी थोड़ा सा स्लिम दिखाना था तो मैंने यहाँ पर कॉन्टोर का यूज़ किया है, अपनी नोज़ की कॉन्टोरिंग मैं कर रही हूँ। तो एक मैंने इस तरीके का पॉइंटेड ब्रश लिया है और नोज़ को डिफाइन करते हुए मैंने अपने सेंटर पर थोड़ा हाईलाइट किया है ताकि मेरी नोज़ थोड़ी सी स्लिम लगे। फेस पर ब्लशर के लिए मैंने स्विस ब्यूटी का ब्लशर यूज़ किया है, तो इस ब्लशर में थोड़ी शाइन भी आपको मिल जाती है तो आपका फेस थोड़ा ग्लॉसी भी लगता है, तो ये ब्लशर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इस वाले मेकअप लुक पर परफेक्टली जा रहा था। देन फेस को हाईलाइट करने के लिए मैंने शिवाना कलर के हाईलाइटर का यूज़ किया है और अपने फेस के हाई पॉइंट्स को हाईलाइट कर लूँगी। इस मेकअप लुक को मैं रिक्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप जज ना करें कि आप बाबी जैसा मेकअप कैसे कर सकती हैं, बाबी जैसा कैसे दिख सकती हैं। तो यहाँ पर सब कुछ जो है रिक्रिएट किए जाने की कोशिश कर रही है और आई एम परफेक्टली ओके अगर ये बाबी से थोड़ा सा भी मैच करता हो। देन मैंने अपने मेकअप को सेट किया। लिपस्टिक के लिए मुझे एक पिंक शेड चाहिए था जो मेरे पास नहीं था, तो मैंने मास्क की लिप पैलेट से पिंक शेड बनाया, रेड कलर में वाइट कलर मिक्स किया मैंने और एक लाइट सा बेबी पिंक शेड मुझे मिल गया जो इस लुक के लिए बिल्कुल परफेक्ट था और परफेक्टली इस लुक पर जा रहा था। तो आप देख सकते हैं लिप शेड बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट दे रहा था इस लुक को। तो लिप शेड मैंने प्रॉपरली अप्लाई करने के बाद इसके ऊपर लिप ग्लॉस लगा लिया, जिसके बाद ये लिपस्टिक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। बाद आ जाती है बालों को सेट करने की बारी। मेरी बाल बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया अपने बालों को साइड कॉम करके, कुछ इस तरीके से आगे हाफ सेक्शन ले लिए और उसको पिनअप पीछे जो है टाइटली पिनअप कर दिया और उसके बाद मैंने एक इस तरीके का हेयर एक्सटेंशन यूज़ किया है। ये क्लचर में आता है, इजी टू यूज़ है और इस लुक में आई थिंक ये परफेक्टली मैच हो रहा था। आपको कैसा लग रहा है कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। तो इस तरीके से मैंने पीछे अपने एक हाई जूड़ा बनाया और उस पर अटैच कर लिया। अगर आपको इसे यूज़ करना है तो आप इसे नीचे भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा लो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बट इस लुक के लिए मुझे इस तरीके से हाई जो है पोनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। बैक से भी आप लुक से देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इसके अंदर हाईलाइटिंग शेड्स थे जो मुझे पसंद आए, थोड़े से डिफरेंट लग रहे थे। तो एयरिंग के बाद
ये लुक हुआ कंप्लीट। तो ये कुछ इस तरीके का लुक था। आई होप मैंने जो ट्राई किया वो आपको पसंद आया होगा, और इस लुक जो मैंने बॉबी मेकअप लुक रिक्रिएट किया वो भी आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलती हूँ मैं और वीडियोज़ के साथ। टिल देन बाय बाय।